उस जमाने की बात है जब उस रीत को पीछे छोड़ते कुछ पढ़े लिखे अमीर लोग समाज को आगे बढ़ा रहे थे और वहीं कुछ गरीब लोग पढ़ लिख कर इसी समाज में अपनी जगह बना रहे थे। डायरेक्टर साहब से मिला हो जी। डायरेक्टर साहब आप जी, धन्यवाद। लगाकर पढ़ाई कर बेटा, जब दफ्तर वाले बाबू तुझसे कोई सवाल पूछे तो अच्छे से जवाब देकर आना बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं। तू जानता है ना, अगर तुझे ये नौकरी मिल गई तो घर के हालात काफी सुधर जाएंगे। अरे भाई, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इंटरव्यू देने नहीं आना? नमस्ते सर। और पानी पियोगे? चाय तो पी लो। दो चाय भेजो। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो इंटरव्यू शुरू करते हैं, उससे पहले तुम मुझे अपना रेज्यूमे बायोडाटा वाली फाइल दिखा दो। अच्छा, हिंदी मीडियम में पढ़े हो, पहले कहीं नौकरी किया तुमने? जी सर, गांव में बच्चों को पढ़ाता था। तुम्हें पता है शहरों और गांव में कितना फर्क है? यहाँ पर गांव वाला हिसाब नहीं चलता, यहाँ पर तेज होना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती? सिर्फ गांव में सीखी तो थी, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं आती। चलो ये करके दिखाओ। आता नहीं। ये मैं सीख ही नहीं रहा, मुझे ये पूछ सकते सर? नहीं सर, नहीं सर।
ये भी नहीं आता। प्राइम में तो तुम अच्छे हो, यू आर गुड इन एकेडमिक्स, बट यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस जॉब। तुम में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ना तुम्हें इंग्लिश आती है। तुमसे अच्छे तो हमारे चाय वाले हैं। तुम इस नौकरी के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। प्लीज लीव नाउ। शर्मा जी को कहो टू सेंड सम डीसेंट गुड पीपल। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये नौकरी ना मिलने पर निराश ना होना, पैसे कमाने की चिंता में कोई गलत राह ना चुन लेना। गलत तरीके से कमाए हुए पैसे कभी फलते नहीं है बेटा। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू अपने बाबा की तरह हमेशा ईमानदारी की राह पर चलेगा। अपनी माँ का ये भरोसा कभी टूटने मत देना बेटा। फिर आ गए, अभी तक तुम गए नहीं। सर वो जो कॉलेज में मुझे आने जाने का खर्च दिया था सर, उसमें सिर्फ 10 रुपये खर्च हुए, ये 5 रुपये बच गए थे, मैं आपको ये लौटाने आया था। शाबाश बेटे शाबाश। अच्छा सर मैं चलता हूँ। रुको बेटा। बेटे पहले तो तुम अपने 5 रुपये रखो और जाते समय कुछ खा लेना। इंस्टीट्यूट वाले बता रहे थे कि तुम्हें इस नौकरी की सख्त जरूरत है। जी सर है। तो बेटे क्या तुम अभी भी हमारे साथ नौकरी करना चाहोगे? लेकिन सर आपने तो कहा था कि मैं इस नौकरी के काबिल नहीं हूँ। हाँ बेटे मैंने कहा तो था, लेकिन इस नौकरी के लिए जो भी जरूरतें हैं वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हें अंग्रेजी भी धीरे धीरे आ जाएगी, पर तुम्हारी असली काबिलियत ये तुम्हारी ईमानदारी है, और शायद इसे मैं किसी को ना सिखा पाऊँ। बहुत शुक्रिया।